गूगल सर्च में अगर आप सर्च करोगे रिमोट कंट्रोल टॉयज को लेकर तो टॉप पे मिलेगा आपको रिमोट कंट्रोल ड्रोन। उसका रीजन ये है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ड्रोन खरीदना है तो कौन सा खरीदना है। इस वीडियो में मैं आपको एक ड्रोन दिखाऊंगा जिसे आप 1800 to 1900 रुपीज में ऑफलाइन मार्केट में ले सकते हो। उस ड्रोन में मिलेगा आपको 1K रिटर्न का फीचर, हेडलेस मोड मिलेगा, 360 डिग्री फ्लिप करा सकते हो और एक अच्छा खासा फ्लाइंग टाइम मिलेगा। तो उस ड्रोन का नाम है HX770 ड्रोन। ये बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा एक और मॉडल आता है HX750। ये दोनों ड्रोन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ड्रोन है। मार्केट में कभी भी ऑफलाइन लेने जाओगे तो ध्यान रखना स्पाइडरमैन हल्क वाले ड्रोन मत खरीदना। ऑफलाइन मार्केट में उन सारे ड्रोन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और दिखने में भी बड़े होते हैं। इसके बॉक्स में आपको एक ड्रोन मिलता है, साथ में आपको एक USB चार्जर मिलता है और एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलता है कि कल को खराब हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो। साथ में मिलता है आपको इस तरीके का रिमोट। ड्रोन के डिजाइन को अगर आप पास से देखोगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर आपको ब्रेसेस। ये इस ड्रोन को काफी अच्छे तरीके से बचाते हैं, इसको सिक्योर रखते हैं। अगर किसी चीज से टकराता है तो इसके खराब होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, इसके अंदर आपको ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे क्या साइंस है इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो बड़े ड्रोन होते हैं उनमें आपको बटन मिलेंगे, बट इस ड्रोन का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर आपको लेग्स नहीं मिलेंगी। ड्रोन जब भी लैंड होगा तो ये अपनी बॉडी पे ही लैंड होगा, तो इसके अंदर झटका लगने के चांसेस है, जर्क लगने के चांसेस है, तो उससे थोड़ी लाइफ कम हो जाती है। अब इससे कैसे बचना है तो ध्यान रखना आपको एक फ्लैट सरफेस पे उड़ाना है। दूसरा, या तो आप उसको पार्क में उड़ाओ जो ग्रास वाला एरिया, सो दैट कि जब उस पे गिरे तो इस पे झटका ना लगे। अभी आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सारे फीचर्स ड्रोन में कैसे आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स पता भी नहीं है। ये देखो, इसका रिमोट देख रहे हो, इसमें आपको काफी सारे बटन दिख रहे होंगे। बेसिकली जो ये बीच वाले बटन है ये सारे स्पीड ट्रिमर है। अपने हिसाब से स्पीड को ट्रिम कर सकते हो, यानी कि कम ज्यादा करके इसे फ्लाई करा सकते हो। ये वाला बटन है ऊपर नीचे का, यहाँ पर बीच में पावर का बटन है, यहाँ लेफ्ट राइट का। आप 360 डिग्री भी घुमा सकते हो और जो ये लास्ट वाले बटन है इससे आप ड्रोन को बैक फ्लिप करा सकते हो। एक छोटा सा डेमो देता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने छोटे एरिया में कितने बढ़िया तरीके से बैलेंस होता है। अभी यहाँ पे मैं बैक फ्लिप तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अगर इतने से एरिया में इतना अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बढ़िया उड़ता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको इसका एक हेडलेस मोड भी दिखा देता हूँ। देखो किस तरीके से 360 डिग्री घूम रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज है। इतने छोटे से एरिया में मैंने कर लिया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना। जब भी आप इसे उड़ाना स्टार्ट करोगे तो 15 से 20 फुट तक लेकर जाना, उससे ज्यादा हाइट पे मत उड़ाना। कोई भी ड्रोन खरीदते हो तो पहले कोशिश करो उसको खुली जगह में उड़ाना सीखो, उसके बाद आप उसको अपने घर के कॉरिडोर में या अपने घर के हॉल में आप उसको यूज कर सकते हो। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं आपको ना जैकपॉट टिप्स देना शुरू करूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। ऐसे बोलते हैं ना उसको, लेसर नोन फैक्ट्स, जो कि बहुत कम लोगों को बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जैकपॉट टिप ये देता हूँ। पहली चीज, आपको कभी भी ड्रोन खरीदना हो तो आप हमेशा ऑफलाइन खरीदो, ऑनलाइन मत खरीदो। उसके कुछ रीजंस होते हैं, बिकॉज एक तो प्राइस कम है, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको उतने फीचर नहीं पता होते, लेकिन आप ऑफलाइन खरीदोगे किसी शॉप पे जाके तो शॉपकीपर आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताएगा और आपको टेस्ट करके देगा वो चीज। जो चीज आप टेस्ट करके खरीदोगे ना तो चीज आप कॉन्फिडेंस से खरीदोगे, आपको घर जाकर पता होगा कि आपको कैसे। कोई भी शॉपकीपर अगर आपको बोलता है कि 5000 रुपए में मैं आपको ड्रोन दूंगा SD कैमरे वाला, उसको बोलना 5000 के 5100 पकड़। मुझे चेक करा कर वीडियो कि इसके अंदर एक्चुअली में SD वीडियो बनती है या नहीं बनती है। इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी आपको पोपट बना सकता है, तो उन सब चीजों से आपको बचना है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको प्ले मास्टर का पेज फॉलो करना है। माय नेम इज जितेश एंड यू गाइस आर वाचिंग प्ले मास्टर। अगर आपका कोई फ्रेंड रिमोट कंट्रोल ड्रोन लेने की सोच रहा है या जिसने भी रिसेंटली परचेज किया, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसके बहुत ज्यादा काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।